मौजूदा सरकार आयुष्मान भारत योजना के सहारे से लाखों लोगों को फायदा मिलने की बातें करती है, परंतु इसका लाभ बेहद आर्थिक रूप से तंग लोग उठाने में समर्थ नहीं है। दरअसल इस योजना के तहत एक गोल्डन कार्ड बनाया जाता है जिसकी फीस 30 रुपए होती है। कुछ इसी प्रकार बिहार में बेहद गरीब दलित परिवार ने 30 रुपए नहीं होने के कारण गोल्डन कार्ड लेने से मना कर दिया है। मामला बिहार के रोहतास क्षेत्र से जुड़ा है, जहां प्रखंड के हुरका पंचायत में दूध मीडियरी गांव में 20 दलित परिवारों ने आर्थिक तंगी के कारण आयुष्मान गोल्डन कार्ड लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कार्ड के बनाने के लिए निर्धारित 30 रुपए का शुल्क देने में अपनी असमर्थता जताई। बताया जा रहा है कि पंचायत के BLEM स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों ने मंगलवार को दूध मीडियरी पहुँच इन परिवारों से आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए कहा और बताया कि इसके लिए प्रति कार्ड 30 रुपए का शुल्क लगेगा, जिस पर उन लोगों ने अपने पास में पैसा नहीं होने की बात कहकर कार्ड लेने से मना कर दिया। कर्मियों ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारी एम वीडियो को दी। वहीं इस दौरान PHC के चिकित्सक डॉक्टर प्रभात कुमार व स्वास्थ्य प्रबंधक मोती उर रहमान ताज ने वहां पहुंचकर उन्हें कार्ड का लाभ बताते हुए काफी समझाने की कोशिश की। हालांकि BLE चुनचुन सिंह ने इन 20 वंचित परिवारों के सभी सदस्यों के गोल्डन कार्ड का खर्च स्वयं वहन करने की बात कहे उन लोगों को हुरका कॉमन सर्विस सेंटर पर बुलाया। इसके बाद बुधवार से उन्होंने सभी 20 परिवारों को मुफ्त में कार्ड बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हुरका पंचायत में कुल 1191 कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 1084 लोगों का कार्ड बना उसका वितरण कर दिया गया है। शिविर में शिव कुमार, करीमन बाबू, उमेश, राम प्रवेश, गंगिया देवी, सरस्विता देवी समेत अन्य लोगों के बीच कार्ड बनाने की शुरुआत कर दी गई है। आयुष्मान भारत योजना में गोल्डन कार्ड के लिए 30 रुपए निर्धारित किया जाना उचित नहीं लगता है। एक तरफ मौजूदा सरकार इस योजना के सहारे सभी गरीब परिवारों को मुफ्त में इलाज होने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर इस योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड के लिए लोगों से पैसे की मांग करना हैरान करने वाला लगता है। केंद्र सरकार को ये समझने की जरूरत है कि देश में कई हिस्सों में अभी भी लोगों के आर्थिक हालात इतने खराब हैं जिससे वह मामूली रकम भी देने में समर्थ नहीं है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।